गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हनी दीप की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सो कैसे हो आप? आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा 10:30 बजे और बस मैंने किट्टू को नहला दिया है। दिखाते ये रे किट्टू नहा धो के रेडी हो गई है। अच्छा ठीक है, ट्यूशन जाने के समय अपने टॉडी बेयर के साथ मम्मी के घर जा रही है। सी देख सकते। सो यहाँ पे मैंने किट्टू के लिए पराठी बना दी है, पैक कर दी है। 7 बजे ठंडा हो रहा है, इसके बाल बनाते हैं। किट्टू इधर आ जा बेटा। और उसके बाद मेरा भी नहाना धोना हो गया, मैं भी फ्रेश हो गई, किट्टू भी फ्रेश हो गई है। अब बस फटाफट से नहा धो के अभी पूजा पाठ करते, उसके बाद आपसे मिलते। नहीं, किट्टू को पहले रेडी करके ट्यूशन छोड़ के आते, उसके बाद आपसे मिलते। किट्टू हो चुके हैं रेडी और निकल चुकी है ट्यूशन के लिए मेरी राजकुमारी पद्मावती। चलो, आई एम गुड। व्हाट इज योर फादर नेम? फादर नेम? व्हाट इज योर नेम? उल्लू। मदर नेम नहीं पूछ रही हूँ, तेरा नाम पूछ रही हूँ। व्हाट इज योर नेम? चलो गाइस, इसको तो सुखाते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। और धूप देखो कितनी मजेदार से रखी है। फटाफट से मैं पहले किट्टू को ट्यूशन छोड़ के आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हम किट्टू को छोड़ के आ चुके हैं ट्यूशन और बच चुका है 11:20। तो फटाफट से मैं पूजा कर लेती हूँ फटाफट से, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस, तो मैं किट्टू को छोड़ के आ चुकी हूँ ट्यूशन और आने के बाद मैंने पहले पूजा करी, उसके बाद लगाई मशीन। तो मैंने यहाँ लगा दी मशीन, थोड़े से ही कपड़े मेरे धुल जाएंगे आज। और पूजा भी हो गई है मेरी डन, देख सकते हो पूजा भी हो गई है कंप्लीट। और ये लड़की मेरे पीछे बैठ के बातें कर रही है अपनी माँ से, देखो कितनी नींद आ रही है इसको। सो ऐसा करते हैं, फटाफट काम निपटाते हैं, उसके बाद आप। गाइस, तो फाइनली बच चुका है 1 और बजा रही हूँ किट्टू को लेने, क्योंकि हो चुका है हर बार की जैसे उनको लेट। तो फटाफट पहले किट्टू को लेके आते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस, आ चुकी है मेरी किट्टू। किट्टू से हाय, गाइस को हाय कर दो। और गाइस, आज किट्टू ने पता अपना टिफिन भी नहीं खाया, टिफिन भी ऐसे ही लेके आई है। मम्मा सुबह सुबह इसके लिए इतनी मेहनत से टिफिन बनाती है और ये टिफिन भी नहीं खाती है। सो गाइस, को आरटी ओ का खत्म कर देती। आरटी ओ कहाँ आरटी ओ चुका है लंच टाइम और हम बनाए चावल और चने की दाल। इधर खा रही है गुड्डू, इधर मैं, और इधर चटनी भी है। गाइस, तो फाइनली मैं वापस आ चुकी हूँ, आई एम बैक। हम लोगों ने एक्चुअली हम लोग लंच कर रहे थे, इसके लिए फटाफट लंच वंच किया, उसके बाद काम वाली दीदी आ गई थी, इसलिए काम वाम निपटाया फटाफट। अब बजे स्टूडियो के बैठे थे तो मैंने सोचा चलो आज बोला था आपको थोड़ा सा होम टूर कराने के लिए, तो जितना थोड़ा सा मैं होप्स हो कि आप लोग को पसंद आए, सो इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोग को होम टूर करवाते हैं। सो लेट्स सी। सो गाइस, ये है हमारी एंट्री। तो ये हमारा मेन गेट है, एंट्री मारते ही हमारा हॉल है। ये किट्टू की कुर्सी और ये है हमारा वो चेयर पे हमने म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम इसलिए रखा क्योंकि इसका रैक अभी आया नहीं है, वो ऑर्डर पे बनवाने दे रखा है, वो आएगा, वो सेट होएगा तो बनेगा। सो ये है हमारा पूरा हॉल। और पहले वहाँ पे पूरा एल साइज में सोफे थे, तो इसलिए अब इनको थोड़ा सा अलग करके लगाने पड़े, अलग करके इसलिए लगाने पड़े क्योंकि बाहर बालकोनी है। तो और ये सारे मेरे किट्टू के टॉय। सो ये बाहर बालकोनी है, ये मेरे चुन्नू मुन्नू बच्चे छोटे छोटे से, और ये हमारी बालकोनी है। आज बालकोनी में कलर हो रखा था इसलिए कपड़े मुझे यहाँ डालने पड़े मजबूरन। और आप देख सकते हो गाइस, यहाँ से बाहर का व्यू भी कितना खूबसूरत सा है ना। और ये है टीवी, इसका रैक हमने बनवाने दे रखा ऑर्डर पर, वो अभी तक आया नहीं, आएगा तो फिर इसको सेट करेंगे। और ये मेरे गन्नू भैया, और ये मेरा मंदिर, इससे तो आप पहले भी दर्शन कर चुके हैं, तो वो सुबह शाम दर्शन होते हैं। एक और गन्नू भैया, किट्टू के गन्नू भैया। और टेबल हमने यहाँ रखी है क्योंकि अगर हम लोग उसको बीच में रख रहे तो स्पेस कम हो रहा था, और उठने मतलब कोई आएगा जाएगा तो उसके बाद हम इसको बीच में कर लेंगे, अदरवाइज साइड में सही है। सो ये कान्हा जी मम्मी ने जो दिए थे, मेरी मम्मी ने दिए थे मेरे को। प्लस ये आ गया हमारा किचन, किचन भी सेम ही बना हुआ है, सेम बिल्कुल सेम बना हुआ है जैसे वहाँ था। वहाँ पे मशीन लगा रखी जो कपड़े धुल रहे हैं, सॉरी धुल चुके हैं, ये मशीन लगा रखी थी मैंने, कपड़े धुल चुके हैं। बाकी ये सब सिलेंडर वगैरह सब रखा हुआ है, सब आनियाँ, और ये बर्तन धो के मैंने इसमें रख दिए कि पानी निकलेगा तब जाके रैक में लगाएंगे। ये फ्रिज। सो ये है हमारा गेस्ट लोगों के लिए वॉशरूम, गेस्ट वॉशरूम, ये भी एकदम फ्रेश है। और ये है एकदम ये सामने हैंड वॉश ब्रश व्रश करने के लिए एकदम सब कुछ। और ये आपकी अपनी हनी। और
ये है एक रूम, गेस्ट रूम, और इसमें मैं अपना पार्लर का काम भी करती हूँ। अभी ब्लैंकेट दे नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सब छूट गया, मैं भूल गई, साफ झूठ क्यों बोलूँ ना, जो है सो है। और ये है मास्टर बेडरूम, इसमें एक वॉशरूम अटैच है, सी इसमें एक वॉशरूम अटैच है। यहाँ से आता है मेरा रूम का एंट्रेंस। सो ये है मेरा बेड, जैसे कि आप लगते हैं, ये है मेरा बेड, ऊपर लगा रखा है एसी, यहाँ किट्टू और उसके पापा की फोटोज, और ये हमारी अलमीरा, सी छोटा सा है पर प्यारा सा है, दो जनों के लिए इनफ है। और यहाँ मेरी और इसके पापा की फोटोज, यहाँ किट्टू और इसके पापा की, और एक मेरी भी, और हमारी फैमिली फोटोज तो शायद आपने देखी होगी, ये लगी पड़ी है, हॉल में लगा रखी है मैंने क्योंकि फैमिली है, हॉल में बड़ी है तो इसके लिए हॉल में अच्छी लगती है। सो ये है बालकोनी यहाँ की, अच्छा ये बालकोनी बड़ी है जो हमारी पहले वाली बालकोनी थी, यहाँ पे किट्टू की गाड़ियाँ रखी है, और ये मैंने कपड़े जो आज उस वाली बालकोनी में सुखाए, मुझे सुखाने थे यहाँ पर, ये आज कलर किया है, आप लोगों को थोड़े दिन पहले भी दिखाया था, ये ग्रिल्स न्यू लगवाई है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब हो रखा था इसके लिए, तो आज इसको पेंट भी करवाया है तो पूरा नया नया लग रहा है। सो ये एल बालकोनी है, एक साइज़ ये है, एक साइज़ ये है, और यहाँ से गाइस व्यू देखो, व्यू कितना ज़बरदस्त दिखता है, सबसे अच्छा तो मुझे यहाँ का व्यू लगता है, सी, और देखो पहाड़ भी दिखते हैं यहाँ से, ये देखिए, यहाँ ठंडी भी बहुत पड़ती है और गर्म भी बहुत पड़ती है, व्यू देख सकते हो। और यहाँ पे यहाँ से भी दिखाती हूँ, यहाँ से सामने जिम, पार्क और स्विमिंग पूल, गेम पार्क, सब कुछ है, बच्चों के झूले वूले। और यहाँ पे जो नया है, यहाँ पे सब बिल्डिंगें बन रही है अभी, एक यहाँ बनेगी और एक यहाँ बनेगी, तो यहाँ पे शायद दो या तीन बिल्डिंग बनेगी साथ में, सब कुछ कुछ काम वहाँ पे भी चल रहा है गाइस, और व्यू तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त है। आई होप सो कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और मैं सुबह सुबह नहा लेती हूँ ना, दोपहर तक मेरी हालत भी वैसे होती है, बहुत सारा काम होता है घर में, बच्चे के संग तो आप लोग काम होता है, तो पूरा अभी घर वर से एकदम क्लीन हो गया है। और शाम पहले मेरा घर ये वाला था, पर यहाँ पे ना बिल्कुल भी ठंडी धूप नहीं आती थी, बिल्कुल मतलब ना मात्र भी धूप नहीं आती थी, आप लोग भी देखते होंगे कि तीन तीन चार चार दिन के कपड़े बिस्तरों पे सुखाने पड़ते थे फैन पे, है ना, और इसलिए तो हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम की वजह से रूम चेंज करना पड़ा, तो पहले वो रूम था और ये रूम है। होप सो कि आप लोग को पसंद आया, और ये मेरी बिल्ली मौसी, बिल्ली मौसी। हे गाइस, दोपहर का बच्चों का है 3:30, और अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, किट्टू को भी रेस्ट कराते हैं क्योंकि वो भी ट्यूशन से आने के बाद रेस्ट नहीं किया, इसको सुलाती हूँ आधा एक घंटा, उसके बाद मिलते हैं हम लोग शाम को, आप लोगों से शाम को मिलते हैं, सब बने रहिए हमारे साथ। गाइस, तो फाइनली हो चुकी है शाम, और शाम का बच चुका है 7, और मैंने नहा धो के फटाफट पूजा भी कम्प्लीट कर आपको सी, सो मैंने नहा धो के कर ली थी पूजा भी अपनी कम्प्लीट, और अब मैं यहाँ बैठी कर रही हूँ आप लोगों से बात, और मैंने चाय भी पी लिया, और मैंने पिया था ब्लैक टी विदाउट शुगर, और साथ में खाई थी एक मिठाई मतलब डाइट भी कर रही हूँ, और मुझे मीठा बहुत पसंद है, एक्चुअली फ्रेंकली बता रही हूँ कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, कोशिश करती हूँ कि डाइटिंग करने की, मीठा कम खाने की, पर जब पता था कि फ्रिज में मीठा है तो कंट्रोल नहीं होता है बिल्कुल भी। सो ऐसा करते हैं, किट्टू को भी दूध वूध पिला दिया, अभी चलते सीधे नीचे चल के मिलते हैं आप लोगों से। फाइनली हम लोग आ चुके हैं नीचे, वॉक कर रहे हैं, और देख सकते हो आप किट्टू कैसे भाग भाग के जा रही है मस्ती मारने। क्या हुआ बंदर? ओ मेरे बंदर, क्या हुआ आपको? ठीक है जाओ। तो देखो गाइस, किट्टू जा रही है झूला करने, और मैं सोच रहा हूँ झूला खिलाने, और देखो बिल्डिंग का व्यू बहुत दिनों के बाद दिखा रही हूँ, है कुछ इस प्रकार से, चप्पल कहाँ उतार के गई, और आ गई थी कितने झूले करने, करो
नहीं नहीं इस पे करो, इस पे वहाँ पे टूट लग जाएगा आपको। नो मम्मा उधर मम्मा। गाइस देख सकते हैं किड्डू कितना मस्ती मार रही है नीचे झूले में। अरे मम्मी बस, अरे क्यों रुक जाए, हम तो नहीं रुक रहे। देख सकते हो आप चंदा मामा कितने खूबसूरत लग रहे। सी ब्यूटीफुल, पूरे चांद है आज। चंदा मामा क्यों रो रही है, हमने तो वहाँ हम लोग वॉक कर रहे हैं यहाँ पे, और देखो चंदा मामा कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चलो बिल्ली, चलो मेरी बिल्ली मौसी, बिल्ली मत, बिल्ली मौसी नहीं हो। ये देखो 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 इसकी चाल, देखो बंदरिया की मेरी, ये मेरी बेटी मेरे से वॉक करती है नीचे। हाँ बता दे तू सबको। सो गाइस फटा अभी अभी मैं ऐसा कर रही हूँ, वॉक वॉक कर रही हूँ, उसके बाद मिलते हैं ऊपर जाने के बाद सीधे। गर्मी बहुत हो रही है, पसीना पसीना आ गया। पहले किट्टू को झूला झुलाया, उसके बाद नीचे वॉक कर रही हूँ। और अब गर्मी भी हो गई है, पहले तो ठंडा था मौसम तो चल जाता था पर अब तो गर्मी भी बहुत हो गई है। चल लड्डू, सो चलते हैं घर, चल के मिलते हैं ऊपर। हाँ हे गाइस, तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ ऊपर, और बस अभी खाना पीना बनाएंगे, किटो को भी लेके आ गई हूँ, और खाना पीना बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या क्या करेंगे, खाना पीना खा के सोएंगे। और मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कि कल मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाकी जय माता दी, लव यू, और होप सो कि आप लोगों को मेरा न्यू घर अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स में प्लीज़ यस करके जरूर भेजना।